ये बताएं कि कुछ हमारे कानूनदान दोस्तों की ये राय थी कि अगर करना ही है तो एक ही दफा प्रेविडेंशियल सिस्टम पे काम किया जाए और 2/3 मेजॉरिटी से जो है ना उसको अमेंड आइन को अमेंडमेंट करके प्रेविडेंशियल सिस्टम लाया जाए, जिस तरह अमेरिका में सिस्टम है, और सूबों को सारों को नुमाइंदगी दी जाए। एक दफा अगर कराची सिंध का है तो दूसरी दफा KPK का हो प्रेसिडेंट जाए। इस तरह की सिचुएशन में आपकी क्या राय है? जाती और पार्टी की तो पता नहीं क्या मौका होगा। मेरा ख्याल है आप इस तजर्बा का ना बनाए पाकिस्तान को। आप एक चीज पे हम पहुंचे हैं कि पार्टीबाजी सिस्टम ही पाकिस्तान एक फेडरेशन है और उसको लेके चल सकते हैं, लेकिन ये जरूर बात है कि कुछ चीजें ऐसी होनी चाहिए जिसमें आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं कि सिस्टम में अपने कल्चर के हिसाब से, अपनी पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर के हिसाब से। अगर आप प्योरली वेस्ट मिनिस्टर अगर सिस्टम हम नहीं लागू कर सकते या वो इतना प्रैक्टिकल नहीं है, तो उसमें थोड़ा सा चेक एंड बैलेंसेस पे आप काम कर सकते हैं कि जो पेंडुलम है पावर का वो या एक तरफ ना हो जाए, कहीं प्राइम मिनिस्टर ऑल एंड ऑल ना हो जाए, कहीं प्रेजिडेंट ऑल नाल ना हो जाए। ठीक, तो ये चीजें मेरा लिए हर एक को अपना अपना देखना पड़ेगा। ठीक, हम कोई नहीं कर सकते कि अमेरिकन सिस्टम हमारे लिए ठीक है या वेस्ट मिनिस्टर हमारे लिए सिस्टम ठीक है या प्योरली डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी देखिए, वेस्ट मिनिस्टर इंडिया ने चला ली है। हाँ, किस तरह चलाई है, क्या है उनका कल्चर है या उनके हिंदू जेन ऐसे हैं कि टॉलरेंस है या ये तो मेरा हाल है एक बैठ के फिर देखना चाहिए कि किस तरह। और मैं समझता हूँ कि अगर इन ट्रू स्पिरिट डिवॉल्व किया जाए, जिस तरह प्रोवेंशियल ऑटोनॉमी है, फिर अगर डिस्ट्रिक्ट को फिर डिवॉल्व करें, जो जिस तरह मुशरफ का प्रोग्राम था, तो लोकल बॉडीज को इतना स्ट्रॉन्ग कर दें लोकल गवर्नमेंट को, तो आपके बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। लेकिन बहुत देर इज ए नीड टू रिफॉर्म द गवर्नेंस सिस्टम आल्सो, कोई जो भी एक सिस्टम है हमारा, तो मेरा हाल है जरूरत है बहुत सारी चीजों की। हमने एक्सपीरियंस देखे हैं, 58(2)(b) भी देखी है प्रेसिडेंट को दे के कि ये शॉक ऑब्जर्वर होगा, मार्शल लॉ नहीं लगेगा, असेंबली तोड़ दी जाएगी, तो उसको भी जिस तरह मिस यूज किया गया वो भी आपको पता है। प्रेसिडेंट को पावर दी कि 77 का एक्सपीरियंस ना दोबारा रिपीट और मार्शल ना लगे, लेकिन 58(2)(b) को जिस तरह इस्तेमाल किया गया वो आपके सामने है। तो हमारे भाई नेचर हम इस किस्म के हैं, जो हमारे पास हथियार आ जाए हम फिर उसका इस्तेमाल। अभी ये जो 58(2)(b) वाले किस्से ना, जी मैं आपको बताऊँ, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, लेकिन प्रेसिडेंट आज तक उसने ये एक्सरसाइज नहीं की, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने, लेकिन मलका के पास भी है लेकिन उन्होंने कभी एक्सरसाइज नहीं की। लेकिन यहाँ तो किसी को बस पकड़ा दे कोई चीज तो फिर आपको पता जो अशर होता है वो अशर होता है जिस तरह किसी। तो ये बड़ी लंबी डिबेट है, ये तो बड़ी देखने वाली चीजें हैं। ठीक ठीक, कि किस तरह हम चीजों को बेहतर कर सकते हैं। अब चीजों को बेहतर किया जा सकता है। 70 साल हो गए हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। ठीक।